दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2022 के 12वें मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा हैदराबाद वर्सेस लखनऊ के बीच में। मुकाबला एक बार फिर से डॉक्टर दीनदयाल पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई के विकेट पर खेला जाएगा। और यहां के विकेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस सीजन में टोटल 3 मुकाबले अब तक यहाँ पर हुए हैं। पहला मैच था बैंगलोर और पंजाब किंग्स का, एक हाई स्कोरिंग गेम रहा। बैंगलोर ने पहले बैट करते हुए 205 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स की टीम ने मुकाबला है वो दोस्तों 5 विकेट से विन कर लिया था। इस मैच में दोस्तों टोटल दोनों इनिंग में 7 विकेट गिरे। उसके बाद दूसरा गेम हुआ, बिल्कुल लो स्कोरिंग गेम था। केकेआर दोस्तों 128 के रन पे ऑल आउट हो गई थी। जवाब में दोस्तों ये टारगेट भी चेस करने में बैंगलोर को काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। बड़ी मुश्किल से ये 3 विकेट से विन कर पाए थे। इस मैच में आप देखोगे दोस्तों तो टोटल 17 विकेट गिरे थे। उसके बाद जो लास्ट मुकाबला हुआ उसमें राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 193 किए, जवाब में मुंबई की जो टीम है दोस्तों वो 23 रन से मुकाबला हार गई थी। इस मैच में आप देखोगे तो टोटल दोस्तों 16 विकेट गिरे थे। यानी पहला जो मैच था वो पूरी तरह से लगभग दोस्तों बल्लेबाजों के नाम रहा था, लेकिन उसके बाद जो लास्ट के 2 मैच हुए हैं उसमें गेंदबाजों को भी काफी अच्छा स्कोर देखने को मिला है और लास्ट मैच के अंदर बल्लेबाजों ने भी दोस्तों अच्छी खासी यहां पे बल्लेबाजी की थी। तो दोस्तों यहां पर 2-3 पिचेस बनाई गई है, तो कौन से विकेट पर मुकाबला खेला जाएगा और पिच वो किस टाइप का बिहेव करने वाली है उसकी पूरी अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के 2 लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनराइज हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद पहला मुकाबला 61 रन से दोस्तों हार कर आए हैं राजस्थान रॉयल के खिलाफ। टीम की ओर से केन विलियमसन अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करने आए थे। विलियमसन दोस्तों थर्ड अंपायर के एक गलत डिसीजन का शिकार हुए थे, सिर्फ 2 रन वो बना पाए थे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो ओपन करते हुए 9 रन बैट के साथ बनाए, बॉलिंग में सिर्फ पार्ट टाइम गेंदबाज है, 1 ओवर डाला था, 15 रन खर्च की, कोई विकेट वगैरह इनको नहीं मिला। लास्ट सीजन भी दोस्तों अभिषेक शर्मा का इतना अच्छा नहीं गया था। राहुल त्रिपाठी दोस्तों 1 डाउन बैटिंग करने आए, खाता नहीं खोल पाए। पिछले सीजन दोस्तों त्रिपाठी ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, 16 मैच में 397 किए थे। निकोल्स पुन का दोस्तों पिछला सीजन सुपर फ्लॉप था और लास्ट मैच में ही आते ही दोस्तों अपना खाता नहीं खोल पाए थे, 0 रन पर वो आउट हुए थे। उनके बाद दोस्तों एडन मार्करम है नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दोस्तों 57 रनों की इन्होंने शानदार पारी खेली और पिछले सीजन भी दोस्तों इन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, 6 मैच में 146 बनाए थे और जरूरत पड़ने पर पार्ट टाइम बॉलिंग भी करवा लेते हैं। इनके बाद दोस्तों अब्दुल समद है नंबर 6 पे बैटिंग करने हैं, सिर्फ 4 रन ये बना पाए थे और पिछला सीजन भी दोस्तों कुछ खास नहीं गया था, सिर्फ 12 का बैटिंग एवरेज था। अब दोस्तों टीम के साथ मार्को जेंसन है वो जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब ये सरदर्दी रहेगी दोस्तों की हैदराबाद की टीम को कि कौन से प्लेयर को दोस्तों ड्रॉप करके उनको मौका दिया जाए, तो अभी किसी के बारे में भी दोस्तों कहना मुश्किल रहेगा। तो हम सीधा परफॉर्म देख लेते हैं। रोमेरियो स्वेफर्ड दोस्तों लास्ट मैच में ठीक प्रदर्शन करके आए हैं, 24 रन बैट के साथ बनाए, बॉलिंग में भी 4 ओवर में 33 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला था। अगर मार्को जेंसन खेलते हैं दोस्तों तो अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग में भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं और अच्छा पेस भी दोस्तों उनके पास है, तो टीम हो सकता है दोस्तों जेंसन को भी किसी प्लेयर को ड्रॉप करके मौका दे सकती है। तो जो भी चेंज होगा आपको अपडेट है दोस्तों वो टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। वाशिंगटन सुंदर नंबर 8 पे बैटिंग करने आई, कमाल की बल्लेबाजी रही, 40 रन बनाए, बॉलिंग में काफ़ी मार पड़ी, 3 ओवर में 47 रन खर्च के कोई भी विकेट सुंदर को नहीं मिला। भुवनेश्वर कुमार है दोस्तों 4 ओवर 29 रन, 1 विकेट उन्होंने निकाला। नटराजन मार जरूर पड़ी लेकिन विकेट निकाल में कामयाब रही, 4 ओवर में 43 रन खर्च करके 2 विकेट निकाले। उमरान मलिक जो कि अपने पेस के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा था, 4 ओवर में दोस्तों 39 रन खर्चे लेकिन 2 विकेट निकाल में भी ये कामयाब रहे। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ टीम न्यूज़ की बात करें तो मार्को जेंसन है वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उनके अलावा दोस्तों सीन अबोट है दोस्तों उनकी भी अपडेट आई है कि वो भी जल्दी दोस्तों टीम के साथ जुड़ जाएंगे, शायद इस मुकाबले के लिए अवेलेबल ना हो, हालांकि टीम के साथ जुड़ चुके हैं, क्वारंटाइन वगैरह का दोस्तों इनका हो सकता है। गोपाल और कार्तिक त्यागी है दोस्तों ये भी खेलने के लिए अवेलेबल है, अब देखना होगा दोस्तों कौन से प्लेयर को टीम मौका देना चाहेगी। वैसे दोस्तों एसआरएच की जो टीम है उसकी गेंदबाजी हमेशा मजबूत रहती है, ऑलरेडी सभी गेंदबाजों ने दोस्तों थोड़े महंगे साबित जरूर हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि गोपाल कार्तिक त्यागी या सीन अबोट में से किसी को ये जगह देना चाहेंगे। बाकी अगर कोई चेंज वगैरह हो जाता है, कोई इंजरी इश्यू आ जाता है तो उसकी पूरी अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अभी लखनऊ के बारे में बात करें तो पहला मुकाबला 5 विकेट से हारने के बाद लास्ट मैच में अच्छा कमबैक किया, 6 विकेट से चेन्नई सुपर किंग को हरा कर आए हैं। टीम की ओर से केएल राहुल और क्वांटम डिकॉक दोनों ओपन कर रहे हैं। पहले मैच में दोस्तों राहुल खाता नहीं खोल पाए थे लेकिन लास्ट मैच में जबरदस्त 40 रन बनाए थे। ओवरऑल रिकॉर्ड हमेशा दोस्तों राहुल का शानदार
लगातार रहता है, चाहे हार्ड टू हार्ड आप उठा के देख लो, चाहे लास्ट आईपीएल का कोई मैच उठा के देख लो, तो बताने की नीड नहीं है। क्वांटम डिकॉक पहले मैच में 7 रन बना पाए थे, लेकिन लास्ट मैच में एक बड़े टारगेट को चेस करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 61 रनों की अटैकिंग पारी खेली थी। आप देखोगे लास्ट सीजन 30 का एवरेज था, हेड टू हेड में 41 का बैटिंग एवरेज है। मनीष पांडे दोनों मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, पहले मैच में 6, लास्ट मैच में 5 बनाए। इवन लेविस 1 डाउन और 2 डाउन खेल रहे हैं, पहले मैच में तो 10 ही बनाए थे, लेकिन लास्ट जो मैच रहा था उसमें मैच विनिंग पारी खेल कर आए हैं। 55 रनों की इन्होंने नाबाद पारी खेली थी, इस सीजन की सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई। दीपक हुड्डा नंबर 5 पर खेल रहे हैं, पहले मैच में 55 किया, लास्ट मैच में 13 बनाए। बॉलिंग में पार्ट टाइम ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, पहले मैच में 3 ओवर डाले, 31 रन, 1 विकेट निकाला, लास्ट मैच में 1 ही ओवर मिला था, 12 रन खर्च के विकेट वगैरह इनको नहीं मिला। इनके बाद आयुष बाडोनी दोस्तों एक मैच फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं, पहले मैच में 54 किया, जबरदस्त बल्लेबाजी की, और लास्ट मैच में 19 रनों की नाबाद और मैच विनिंग पारी इन्होंने खेली थी। कुणाल पांड्या हैं, बैटिंग में नंबर 7 पर आए थे, पहले मैच में 21 बनाए, लास्ट मैच में पारी नहीं आई। बॉलिंग में देखोगे पहला मैच जबरदस्त रहा, 4 ओवर में मात्र 17 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला, लेकिन लास्ट मैच में 3 ओवर में इनको 36 रन पड़े, कोई भी विकेट नहीं मिला। हेड टू हेड में आप देखोगे 10 मैच में सिर्फ 4 विकेट इनके नाम है, बैटिंग में हालांकि 27 का बैटिंग एवरेज है। अब दोस्तों होल्डर है वो भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो अगर होल्डर अगर खेलते हैं दोस्तों तो फिर चमेरा को बाहर जाना पड़ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है टीम है दोस्तों चमेरा को एक मौका और दे देती है अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो, अदरवाइज दोस्तों फिर होल्डर की तो जगह पक्की है, किसी की भी जगह दोस्तों ये खेल सकते हैं। चमेरा का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा है दोस्तों, बैटिंग ज़्यादा नहीं मिली है, लेट आते हैं। बॉलिंग में पहले मैच में तो 2 विकेट मिले थे 3 ओवर में 22 रन खर्च करके, लेकिन लास्ट मैच में काफ़ी मार पड़ गई, 4 ओवर में 49 रन खर्च के विकेट नहीं मिला। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट पे है, शायद एक मौका और दे सकती है, होल्डर को एक मैच में और रेस्ट करना पड़ सकता है। होल्डर के बारे में दोस्तों बताने की नीड नहीं है, रिसेंटली जबरदस्त फॉर्मेशन रहे हैं, चाहे बैटिंग की बात हो चाहे दोस्तों बॉलिंग की, हर जगह पे दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं, टेस्ट में भी, ओडीआई और T20 हर फॉर्मेट में अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। रवि बिश्नोई है दोस्तों, पहले मैच में विकेट नहीं मिला था, लास्ट मैच में 4 ओवर में 24 रन खर्च करके 2 विकेट इन्होंने निकाले, हेड टू हेड में 11 ओवर में 7 विकेट इनके नाम है। आवेश खान है, दोनों मैच में ठीक ठाक बॉलिंग रही, थोड़ी सी इकोनमी हाई रही है, लेकिन पहले मैच में 1 और लास्ट मैच में दोस्तों 2 विकेट निकाले, हेड टू हेड में 3 मैच में 3 विकेट हैं। टाई है दोस्तों, लास्ट मैच में पहली बार खेले थे, 4 ओवर में 40 रन खर्च किए और दोस्तों 2 विकेट टीम को निकाल के दिए। मैचेस के प्लेयर पर देखा जाए दोस्तों तो मनन वोरा है जिनको टीम चाहिए, तो मनीष पांडे अगर इस मैच में अच्छा नहीं खेलती है तो अगले मैच में मनन वोरा को मनीष पांडे की जगह ला सकते हैं, बाकी दोस्तों कोई बड़े चांसेस की गुंजाइश नहीं है। के मायर्स भी टीम के साथ जुड़ जरूर चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी इनका बायोबल टेस्ट वगैरह होना है, स्टोइन्स दोस्तों अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। तो अभी दोस्तों सीधा बात कर लेते हैं हमारी डेमो टीम के बारे में। तो दोस्तों विकेट कीपिंग में मैंने लोकेश राहुल और क्वांटम डिकॉक दोनों को रखा है, निकोल्स पूर्ण है, ग्रैंडली में दोस्तों आप जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बड़े प्लेयर हैं दोस्तों, कभी भी बड़े रन लगा सकते हैं, लेकिन रिसेंटली जो फॉर्म है वो थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए मैं इनको ट्राई नहीं कर रहा हूं। बैटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, केन विलियमसन, इवन लेविस को रखा है, इनके बाद राहुल त्रिपाठी को रखा है, और नीचे से दोस्तों मैंने यहाँ से रखा है बाडोनी को जो कि एक मैच फिनिशर है। इनका दोस्तों देखना पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत ये चेंज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं, अदरवाइज इनकी जगह पर दोस्तों दीपक को भी ला सकते हैं क्योंकि दीपक हुड्डा दोस्तों इनसे पहले बल्लेबाजी करते हैं और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो अभी बाडोनी पे दोस्तों मेरा थोड़ा सा डाउट रहने वाला है, पूरी तरह से फाइनल नहीं रहेगा, बाकी विलियमसन, लेविस और त्रिपाठी को लगभग मैं ट्राई करके चलूंगा। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो दोस्तों जैसन होल्डर अभी तक पूरी तरह से फिक्स नहीं कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों और बड़े प्लेयर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों शायद मौका जरूर देना चाहिए, अगर नहीं खेलते हैं तो इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर दोस्तों हम किसी अदर प्लेयर को ट्राई करेंगे, जिसमें हो सकता है कुणाल पांड्या को या फिर दोस्तों रोमेरियो सेफर्ड है, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके चल सकते हैं। स्टोइनिस अभी तक टीम के साथ जुड़े नहीं है, एडम मार्करम को मैंने ट्राई किया, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। वाशिंगटन सुंदर दोस्तों ग्रैंड लीग में आपके लिए डिफेंसिव पिक रहेगी, कुणाल पांड्या भी ग्रैंड लीग में अच्छी पिक है, रोमेरियो सेफर्ड भी दोस्तों ग्रैंड लीग में आपके लिए एक जबरदस्त पिक रहने वाली है। तीनों के तीनों दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं, कभी भी गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, तो तीनों को अपनी एक एक ग्रैंड लीग में दोस्तों आप जरूर रोटेट करके रखना। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे दोस्तों तो भुवनेश्वर कुमार, अगर हैदराबाद की टीम की पहले बॉलिंग आती है तो जरूर हम अपनी टीम में इनको ट्राई करना चाहेंगे, अभी के लिए दोस्तों मैंने अपनी टीम में नहीं रखा है क्योंकि थोड़ा क्रेडिट का इश्यू भी दोस्तों आ रहा था। डी चमीरा दोस्तों होल्डर और चमीरा में से कोई एक खेलेगा, अगर लखनऊ की ओर से दोस्तों चमीरा खेलते हैं और लखनऊ की पहले बॉलिंग आती है तो फिर इनको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग इनकी नहीं रहती है। एंड्रयू टाई को दोस्तों मैं ट्राई करके चलने वाला हूँ। आवेश खान भी दोस्तों अच्छा ऑप्शन है अगर लखनऊ की पहले बॉलिंग आए,
अब इसके साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं टी नटराजन, और दोस्तों मैंने यू मलिक को ट्राई किया है। अगर लखनऊ की दोस्तों फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो सेकंड इनिंग में बिश्नोई बॉलिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में दोस्तों बिश्नोई ग्रैंड लीग में आपके लिए बिल्कुल एक डिफेंसिव पिक रहने वाले हैं। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा ड्यू का इफेक्ट जरूर रहता है इस विकेट पे, लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे खासे कई बार गुच्छों में विकेट निकाल जाते हैं। नीचे के ऑप्शन में दोस्तों कोई खास पिक वगैरह नहीं रहेगी। तो अभी के लिए दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं ये हमारी एक डेमो टीम है, जो फाइनल टीम है वो पूरी तरह से टॉस पे डिपेंड करेगी, और टॉस के बाद दोस्तों टीम में जो भी चांसेस होंगे उसकी अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए दो लिंक वीडियो के नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं, जहां से आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। बात रही कैप्टन और वाइस कैप्टन की, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो भाई की मेहनत और मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों कैप्टन मैं अभी के लिए होल्डर को बना रहा हूँ, अगर होल्डर नहीं खेलते हैं तो उसके बाद दोस्तों तीन कैप्टन वाइस कैप्टन में हमारे पास एक तो क्वांटम डिकोक रहेंगे, एक लोकेश राहुल है, और दोस्तों एक केन विलियमसन है। ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अगर ग्रैंड लीग के बारे में बात करें, इवन लेविस के साथ जा सकते हैं, राहुल त्रिपाठी के साथ जा सकते हैं, ग्रैंड लीग में मार्करम को ट्राई कर सकते हैं। अगर लखनऊ की पहले बॉलिंग आ जाती है तो एंड्रयू टाई को भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बाकी मेरी फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन अपडेटेड टीम है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।